आज की इस मॉडर्न दुनिया में दोस्तों हर देश के लिए ये बात बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि वहाँ पर अच्छे खासे एयरपोर्ट्स का बंदोबस्त हो। और किसी भी देश के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है कि उस देश की लगभग हर सिटी में आपको अच्छे खासे हाईटेक एयरपोर्ट्स देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों हवाई जहाज़ के सफ़र के साथ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपका सफ़र अच्छा भी जाता है और डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम समय में तय होता हुआ नज़र आ जाएगा, जिससे एक आम इंसान को भी दोस्तों काफ़ी सुविधा मिलती है और बिजनेसेस भी अच्छे से चल पाते हैं। और जल्दी अगर काम हो पाएगा लोगों का तो दोस्तों इकॉनमी तो ग्रो करेगी ही। यही वजह है कि आज एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मैं दुनिया की टॉप 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ जहाँ पर ना एयरपोर्ट्स की संख्या आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। नंबर 10 की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ नाम आता है इंडोनेशिया का। रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया जो कि दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया की बेहद ही खूबसूरत कंट्री है, नेचुरल ब्यूटी और बीचेस के लिए फेमस है। किसने सोचा होगा कि यहाँ पर एयरपोर्ट्स की संख्या इतनी अधिक हो सकती है। तकरीबन 27 करोड़ की आबादी वाले इस देश में दोस्तों आज के दिन आपको 673 से भी ज़्यादा खूबसूरत दर्जे के हाईटेक लेवल के एयरपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके चलते इंडोनेशिया के दोस्तों लोगों को बेहद ही ज़्यादा आसान हो जाता है एक देश से दूसरे देश जाने में। और साथ ही कई तो ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो यहाँ पर एक सिटी से आपको दूसरी सिटी तक भी कुछ मिनटों में ही पहुँचा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे पर जा चुकी है इस एशियन कंट्री में। नंबर 9 की चर्चा करें तो नाम आता है दोस्तों पैराग्वे का। साउथ अमेरिका के इस देश में दोस्तों आज के दिन एयरपोर्ट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक देखने को मिलेगी। अधिकतम साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ना दोस्तों आपको एयरपोर्ट्स अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि आबादी तो सिर्फ 72 लाख लोगों की है, लेकिन एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ते बढ़ते 799 तक हो चुकी है। लगभग हर सिटी में आपको मल्टीपल एयरपोर्ट्स पैराग्वे में देखने को मिल जाएंगे, जिसके चलते यहाँ पर तो दोस्तों एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए अधिकतम पॉपुलेशन हवाई जहाज़ का ही यूज़ करती हुई नज़र आएगी। और एयरपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होने के चलते यहाँ प्लेन्स भी काफ़ी हैं और हवाई यात्रा काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी पड़ती है लोगों को। और 799 एयरपोर्ट्स होने के साथ पैराग्वे दुनिया की 9वें नंबर की कंट्री बन जाती है सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स के मामले में। नंबर 8 की चर्चा करें तो यहाँ नाम आता है दोस्तों कोलंबिया का। एक और शानदार साउथ अमेरिकन कंट्री ही दोस्तों हमारी इस लिस्ट में जगह बना चुकी है। एयरपोर्ट्स के मामले में साउथ अमेरिका इस कॉन्टिनेंट का कोई आपको तोड़ ही देखने को मिलने नहीं वाला। रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया की दोस्तों वैसे ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार पॉपुलेशन तो सिर्फ 5 करोड़ और 4 लाख के आसपास है, लेकिन इतनी कम पॉपुलेशन होने के बाद भी यहाँ 836 से भी ज़्यादा आपको हाईटेक लेवल के एयरपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के अधिकतम एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो बहुत सारे एयरपोर्ट्स ऐसे भी हैं जो लोगों को एक सिटी से दूसरी सिटी तक बहुत ही ज़्यादा आसानी से कुछ मिनटों में पहुँचा देते हैं। और सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स के मामले में साउथ अमेरिका की ये कंट्री 8वें नंबर पर आती है। नंबर 7 की अगर दोस्तों हम चर्चा करें तो यहाँ नाम आता है बोलिविया का। साउथ अमेरिका में मौजूद ये देश वैसे दोस्तों लून के लिए, साल्ट के लिए ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पर ना लून की बहुत बड़ी मात्रा आपको देखने को मिल जाएगी। पूरे देश की पॉपुलेशन महज 1 करोड़ और 15 लाख के आपको आसपास देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी कम पॉपुलेशन होने के बाद भी दोस्तों अधिकतम लोग यहाँ हवाई सफ़र करना पसंद करते हैं बेहद ही ज़्यादा सस्ता होने के चलते। यही वजह कि आज के दिन यहाँ अधिकतम एयरपोर्ट्स आपको इंटरनेशनल लेवल के तो नहीं लेकिन डोमेस्टिक लेवल के देखने को मिल जाएंगे। और पूरे देश में कुल मिलाकर 855 से भी ज़्यादा दोस्तों आपको एयरपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके से बोलिविया दुनिया की 7वें नंबर की वो कंट्री बनती है जिसके पास सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स आज के दिन मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 6 की करें तो नाम आता है अर्जेंटीना का। यहाँ पर एक और दोस्तों शानदार दर्जे की साउथ अमेरिकन कंट्री ही हमारी लिस्ट में जगह बना चुकी है। साउथ अमेरिका की अधिकतम पॉपुलेशन है दोस्तों कार या फिर ट्रेन्स में नहीं बल्कि हवाई जहाज में, हवा में उड़ते हुए सफ़र करना ही ज़्यादा पसंद करती है, इस रिपोर्ट का तो यही दावा है। तकरीबन 4 करोड़ और 55 लाख की आबादी वाले दोस्तों इस देश के अंदर आपको 1,138 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से अधिकतम एयरपोर्ट्स तो वैसे दोस्तों डोमेस्टिक लेवल के हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की यहाँ थोड़ी कमी तो ज़रूर है, लेकिन डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स इतने ज़्यादा होने के चलते यहाँ एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। और दोस्तों
600 से 700 किलोमीटर का सफर यहाँ पर लोग 40 से 50 मिनट में ही तय करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। 1138 एयरपोर्ट्स के साथ ये दुनिया की छठी ऐसी कंट्री है जिसके पास एयरपोर्ट सबसे ज्यादा बड़ी गिनती में है। नंबर 5 की चर्चा करें तो नाम आता है दोस्तों रशिया का। रशिया के पास दोस्तों एयरपोर्ट्स काफी ज्यादा होने भी चाहिए क्योंकि दुनिया का यह एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा विशाल देश है। यहाँ पर तो दोस्तों लोगों को दूसरी कंट्री में छोड़ के खुद की सिटीज में ही जाने के लिए ना कई बार एयरपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि हवाई सफ़र के बिना दोस्तों यहाँ की एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाना भी नामुमकिन हो जाता है। यहाँ पर तो दोस्तों कई सिटीज़ की आपस में डिस्टेंस आपको 5000 किलोमीटर तक भी देखने को मिल जाएगी। इतना ज़्यादा विशाल दर्जे का ये देश है। 14 करोड़ की आबादी वाले रशिया में दोस्तों आपको 1218 एयरपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें अधिकतम एयरपोर्ट्स दोस्तों आपको डोमेस्टिक लेवल पे देखने को मिलने वाले हैं। और इस तरीके से ये यूरोप में पड़ने वाली कंट्री दुनिया की 5वीं ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। हालांकि इस शानदार यूरोपियन कंट्री का कुछ हिस्सा आपको एशिया में भी आता हुआ नज़र आ जाएगा। नंबर 4 की चर्चा करें तो दोस्तों यह नाम आता है कैनेडा का। नॉर्थ अमेरिका का ये देश दोस्तों आज के दिन एयरपोर्ट्स को बढ़ाने में बहुत तेज़ी से लगा हुआ, ना सिर्फ डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को बल्कि इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट्स को। तकरीबन 3.25 करोड़ की आबादी वाले इस देश में दोस्तों आज के दिन आपको 1467 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ हवाई सफ़र करना लोग बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं और कनाडा के अधिकतम कंट्री से दूरी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ अपने देश में डोमेस्टिक लेवल पर अधिकतम लोग दोस्तों ट्रेन का भी सफ़र करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। नंबर 3 की चर्चा करें तो यह नाम आता है मेक्सिको का। एक और शानदार नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हमारी इस लिस्ट में जगह बना चुकी है। मेक्सिको में दोस्तों आज के दिन जो अधिकतम एयरपोर्ट्स हैं वो आपको इंटरनेशनल लेवल के तो नहीं लेकिन हाँ डोमेस्टिक लेवल के ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। 12 करोड़ और 97 लाख की आबादी वाले इस देश में आज के दिन 1714 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। इस तरीके से सबसे ज़्यादा नंबर्स के हिसाब से एयरपोर्ट्स में मेक्सिको दुनिया में आता है नंबर 3 पर। नंबर 2 की अगर दोस्तों यहाँ हम चर्चा करें तो नाम आता है ब्राज़ील का। साउथ अमेरिका के इस देश को बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स की ज़रूरत भी है। पहली तो दोस्तों बात ये कि साउथ अमेरिका ये कॉन्टीनेंट ही ना दुनिया से इतना ज़्यादा दूर बसा है, चाहे यूरोप में जाना हो, चाहे एशिया में जाना हो, तो चाहे आपको कहीं और जाना हो, ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऊपर से दोस्तों यहाँ के अधिकतम लोगों की पहली प्रेफरेंस भी होती है कि हवाई सफ़र करना है, ना कि ट्रेन में जाना है और ना ही कार में जाना है। ब्राज़ील जिसकी टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ के आसपास है, काफ़ी बड़ी आबादी वाले इस देश में 4093 एयरपोर्ट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके से साउथ अमेरिका की ये कंट्री नंबर 2 पर आती है सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स के मामले में। नंबर 1 की चर्चा करें तो दोस्तों नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हर इंडेक्स में चाहे पावर की बात हो, रुतबे की बात हो, या पैसे की चर्चा क्यों ना हो और इकॉनमी की चर्चा क्यों ना हो, ये देश आपको नंबर 1 आता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जिस देश की दोस्तों इकॉनमी बड़ी होती है तो उसका हर बजट ही बहुत ज़्यादा विशाल हो जाता है। तकरीबन 33 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आपको 13513 से भी ज़्यादा हाईटेक एडवांस्ड लेवल के एयरपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके से ये दुनिया की नंबर 1 कंट्री है जहाँ एयरपोर्ट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा दोस्तों यूएसए में एयरपोर्ट्स की नीड इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये बड़ा देश है जिसके चलते एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए ही दोस्तों लोगों को, जहाँ एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए भी लोगों को कई बार हवाई जहाज़ की ही ज़रूरत पड़ती है। और ट्रेन का यूज़ यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा कम लेवल पर करते हैं। शायद यही वजह है कि आज तक भी अमेरिका ने कभी बुलेट ट्रेन को अपने देश में नहीं लाया। वैसे वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।